लोकसभा चुनाव 2019 को जीतने के लिए राजनेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। मतदाताओं को अपने आप से सबसे बड़ा हितेशी बताने वाले नेताओं ने दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हो चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू की जनसभा संबोधित करते करते एक बार फिर जुबान फिसल गई, जहां उन्होंने कहा कि वो मोदी को निपटाने और ठोकने आए। मैं आप सबके बीच में चौकीदार को निपटाने आया और मोदी को ठोकने आया। खुश हो, आज देखना इसके पोतले खोल के जाऊंगा प्रधानमंत्री। बड़बोले सिद्धू की फिर फिसली जुबान, भाषण में शब्दों की गरिमा भूल गए सिद्धू। पीएम नरेंद्र मोदी पर दिया विवादित बयान, मैं चौकीदार को निपटाने और ठोकने आया हूं सिद्धू। राजगढ़ में जनसभा के दौरान सिद्धू के बिगड़े बोल। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी के समर्थन में चुनावी जनसभा लेने खिलचीपुर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कैबिनेट के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बोलते बोलते शब्दों की सारी सीमाएं लांघ गए, जहां उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा हमला किया, जहां उन्होंने कहा मैं यहां चौकीदार को निपटाने और पीएम मोदी को ठोकने आया हूं। मैं आप सबके बीच में चौकीदार को निपटाने आया और मोदी को ठोकने आया। खुश हो, आज देखना इसके पोतले खोल के जाऊंगा प्रधानमंत्री। कांग्रेस की चुनावी सभा में प्रत्याशी सहित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह सहित दिग्गज कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, लेकिन बेजुबानी भाषा का विरोध करने के बजाय ताली बजाने में मशहूर नजर आए। मैं आप सबके बीच में चौकीदार को निपटाने आया और मोदी को ठोकने आया। खुश हो, आज देखना इसके पोतले खोल के जाऊंगा प्रधानमंत्री। बहरहाल नवजोत सिंह के बस जुबानी का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनावी सभा में अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस महागठबंधन के साथ साथ नेताओं की जुबानी जंग के लिए भी जाना जाएगा।